अपडेट ये है कि बता रहे हैं कि लेह का रास्ता ख़राब है इस बार। लिटरली कह रहा हूँ, छोटी गाड़ियों को दिक्कत आएगी। स्नो की शुरुआत हो गई है, मैं 80-90 के आसपास लेकर आया हूँ गुरखा को भी। लास्ट ईयर यहाँ पे बड़ी हैवी वाटर क्रॉसिंग थी और अब ये सूखा पड़ा है। हमने मौसम काफ़ी ख़राब है भाई, बहुत ख़राब है। स्नोफॉल हो रहा है और वो भी मुझे लग रहा है हैवी वाला स्नोफॉल, और ये है भी उधर ही बारालाचा की तरफ। बारालाचा तो बहुत टफ हो जाएगा इन स्नोफॉल। हमारे पास स्नो चेन भी नहीं है इस बार, पिछली बार तो थी, इस बार है नहीं। जिंग बार रह गया जी 1 किलोमीटर बस, यहाँ कहीं से हमें पता चल जाएगा कि आगे जाने देंगे या नहीं। इस सिचुएशन को लेके ही वन वे किया हुआ है, जिस तरह भी ये पैच है इसमें एक बार में एक ही व्हीकल गुजर सकता है, तो उधर से ट्रक आते हैं तो फिर जाम लगता है और ऊंचे ऊंचे पास के ऊपर जाम लगना बड़ा लीथल है भाई। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया हुआ है कि टाइमिंग रखे हुए हैं कि एक टाइम पर जाने वाले के लिए, एक टाइम पर आने वाले के लिए। जी जी, जैसा मैं आपको बता ही रहा था, स्नोफॉल शुरू हो गया है, बहुत हल्का हल्का है, आपको कैमरे में शायद दिखाई नहीं देगा अभी, बट शुरू हो गया। बारालाचा रह गया होगा यहाँ से कोई 15 किलोमीटर, और अभी हम असेंडी कर रहे हैं। यहाँ पे शायद आपको हल्का सा दिखाई दे, दिस इज़ जिंगजिंग बार। यहाँ तो कोई पोस्ट नहीं है अभी, ऐसा बता रहे थे वहाँ पे चेक पोस्ट मिलेगी, तो आई थिंक अभी हम जा सकते हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है, वाइट ही वाइट अभी चारों तरफ और ऊपर से स्नोफॉल। ओके जी, नोटिस कीजिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते जा रहे हैं, स्नोफॉल तेज से और ज़्यादा तेज होता जा रहा है और नज़ारे भी ब्यूटीफुल से और ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया फील आ रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है ड्राइव करके भी ऐसे व्यूज़ के बीच में। ये भी खेल रहे हैं तो। ओए गाड़ी के मत मार भाई, गाड़ी को धो रहे हैं हम। चलिए आपको एक बार बाहर से भी व्यू दिखा देता हूँ, वैसे कोई क्लियर विजुअल नहीं आ रहे हैं, बट ये है कि आपको एक कॉमन आइडिया लग जाएगा।
बड़ा खतरनाक है। खुला है क्या? कुछ नहीं, आगे ज्यादा खड्डे हैं ना, तो वो गाड़ी रुकी हुई थी। अच्छा अच्छा, आपको कोई नहीं? तो वी आर अप्रोचिंग बहराला चला, और मेरे लिहाज से जी यही है। एक्चुअली मल्टीपल बोर्ड है वैसे बहराला चला के आजकल, पहले तो एक होता था। यस बहराला चला, गाड़ी नहीं रोकूंगा भाई, जाम लग जाएगा। एल्टीट्यूड है 4850 मीटर, देख लीजिए। और बस यहाँ से हम बाईपास ही करेंगे। आप देख रहे हैं कितने टूरिस्ट हैं यहाँ पे, रोकना पॉसिबल भी नहीं है और जाम लग जाएगा यहाँ पे भाई। पर आप बता रहे हैं जी रास्ता, अपडेट ये है कि बता रहे हैं कि ले का रास्ता ख़राब है इस बार, वैसा नहीं है जैसा पहले होता था। तो जी आपका शेयर करता रहूँगा, जर्नी बने रहिए, देखते हैं भाई कैसा रास्ता रहेगा। एक और ऑफ रोड जी, हम लगभग भरतपुर के पास हैं, वहाँ पे आइए जी। आर्मी का ट्रक जा रहा है बीच से, जाएंगे साइड से। अननेसेसरी अभी पंगा नहीं लेंगे, अपना एडवेंचर बचा के रखेंगे हम पदम के लिए। अगर ले से मौका मिल गया तो पदम जरूर जाना, यानी कि जंस्कार। रोड काफ़ी ख़राब है भाई, लिटरली कह रहा हूँ, छोटी गाड़ियों को दिक्कत आएगी 101% आएगी। तो अगर आपके पास कोई अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस वाला व्हीकल नहीं है तो थोड़ा वेट कीजिए प्लीज़, जब रास्ता ठीक हो जाए तब आइएगा, ऐसे फ़ायदा नहीं है जी। आगे बोर्ड लगाया है जी, ले 269 एंड तंगलंगला 161, पांग 95 एंड लाचुंगला 72। हमें किसी भी हालत में कोशिश ये करनी है कि तंगलंगला हमारा नाइट से पहले कवर हो जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता तंगलंगला को रात को कवर करना।
तो जी ये देखिए अब बर्फ बहुत कम हो गई है, हमें अब एक तरह के प्लेन एरिया में जो आप बरारचा उतर के भरतपुर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और दूर दूर तक आपको माउंटेन तो दिखाई देंगे बट बर्फ जिस तरह बरारचा के अंदर कितनी ज़्यादा थी अब वो नहीं है। रोड कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है बट ये बम्प्स हैं रोड के ऊपर, तो ऐसा भी नहीं है कि आप इसके ऊपर 100 120 चला लेंगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ का अपडेट मैंने दे दिया, आगे जैसे जैसे जो जो कंडीशन आती रहेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।